नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों ईश्वर का नाम लेकर चुने कोई एक नंबर और दोस्तों देखते हैं कि कौन सी खुशखबरी आपको मिलेंगी बहुत जल्द। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। जी दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि ये जो वीडियो है आप सभी के जीवन काल में आपको एक नए कीर्तिमान स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जी दोस्तों, जैसे ही अपने निराश जीवन काल में आप कोई भी कार्य करते हैं तो दोस्तों आपको उनमें मन नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो से आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो कर्म की गोचर के साथ साथ भक्ति भाव पर रहने वाली है। अगर आप ईश्वर पर यकीन रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और ईश्वर का नाम लेकर चार नंबर में से कोई भी एक नंबर दोस्तों चुन लीजिए। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपको बहुत ही जल्दी कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें अंत तक देखिएगा। जय दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और जिनके भी आप सच्चे भक्त हैं दोस्तों उनका नाम कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जरूर लिखिएगा, आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि आपको अपने आने वाले जीवन काल में अपने ध्यान में रखने हैं। ये बातें आपको काफी अच्छा सिखाने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों एक बार ब्राह्मण मरणासन पड़ा था, कबीरदास उनसे मिलने के लिए उसके घर आए। ब्राह्मण ने उसके मरते वक्त गंगाजल पीने की इच्छा जताई। कबीरदास गंगाजल लेकर आए, ब्राह्मण ने यह कहते हुए पानी पीने से इनकार कर दिया कि तुमने गंगाजल को मेरे बर्तन के बजाय अपने बर्तन में लाकर गंगाजल को ही अशुद्ध कर दिया। इस पर कबीरदास ने कहा, आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, जो गंगाजल बर्तन के पवित्र नहीं कर सकती वो आपको क्या मुक्ति दिलाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान पर भरोसा रखकर भगवान की खुशी के साथ आत्मा के हर कोने से अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपने हर कदम पर, जहां भी जैसे भी हो, जहां भी जाओ, एक स्वर का एहसास साथ रखने से जीवन शैली में बहुत अद्भुत बदलाव और अस्मित सुख का आप अनुभव करेंगे। जी दोस्तों, तो आप भी अपने जीवन काल में इन बातों का याद रखें। दोस्तों यह बातें आप सभी के जीवन काल में बहुत ही इच्छा शक्ति आपको प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आपने कौन से नंबर को चुने हैं और अब आपके जीवन काल में बहुत ही जल्द आपके कौन सी खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं, कौन से सपने आपके सच होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों अगर आपने एक नंबर चुना है तो दोस्तों आपको बता दें कि आप बहुत ही सीधे स्वच्छ इंसान हैं। आप सभी के जीवन काल में जो भी घटनाएं होती है, जो भी बदलाव होते हैं दोस्तों आप उनमें दिल से कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे आप कोई भी निर्णय लेते ही नहीं है। और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जब आप बिना सोचे समझे निर्णय लिए हैं तो दोस्तों आपको नुकसान ही हाथ लगा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में बहुत ही जल्द आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक जाने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यश में ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपको बता दें कि जो भी आपने अपने मन में सपने सोचे हैं, जो भी आपने आश लगाए बैठे हैं कि हमारे यह कार्य अब पूरे हो जाए, भगवान हम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप धैर्य रखिए, आपके वे सभी सपने अब सच होने वाले हैं, बशर्ते आपको ईश्वर पर यकीन और कार्यों में लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। जी दोस्तों, जैसे आप अभी कार्य कर रहे हैं इसी प्रकार निरंतर आपको आने वाले समय में भी कार्य करना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जो भी सपने सोचे हैं वे सभी सपने आपके सच हो जाएंगे। जी दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों अगर आपने दो नंबर को चुना है तो दोस्तों सबसे पहले आपके स्वभाव की बात करें तो दोस्तों आप बहुत ही दृढ़ संकल्पी इंसान हैं। आप कभी किसी के बारे में गलत व्यवहार नहीं करते, गलत सोचते ही नहीं है। जो भी आपके पास आ जाते हैं दोस्तों आप उनसे मीठे मीठे बोल लेते हैं। हालांकि दोस्तों अक्सर लोग आपसे ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। लोग आपसे हमेशा आपसे थोड़ा अलग ही कर देते हैं, जिनसे आपको थोड़ा नुकसान होता है, आपको बुरा भी लगता है। लेकिन दोस्तों आप कभी भी दूसरों से
अपना जो है दिल की बात उतना शेयर नहीं करते। तो दोस्तों आप हमेशा अपने मन में रखते हैं कि हम अपने दुखों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे जी दोस्तों, और यही बातें यही स्वभाव आपको अपने जीवन काल में सफल इंसान बनाता है। और दोस्तों आप आपको बता दें कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जो भी आपने सपने सोचे हैं वे सपने भी सच होंगे। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि अपने जीवन काल में कभी भी आपको बुरी संगत में नहीं रहना है। जो लोग आपको छल करते हैं, जो लोग आपसे निरंतर धोखेबाजी करते रहते हैं, दोस्तों आपको ऐसे व्यक्तियों से पीछा छुड़ाना होगा। तभी दोस्तों आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में भी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। जो सपने आपने सोचे हैं उन सपने को भी अपने जीवन काल में आप हासिल कर पाएंगे ये दोस्तों। और आपको बता दें कि आप अभी तक अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य नहीं किए हैं जिनसे आपका मन प्रसन्न हो। आपको लगता है कि दोस्तों अभी आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत ही आपको ऊंचाइयों तक छूना है। हालांकि दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपके जीवन काल में आपने उतना कुछ हासिल भी किया है जो कि आपको खुश और प्रसन्न रख सकता है। लेकिन दोस्तों आपका मन एक अलग ही तरह का है, जिससे आप कोई भी चीज़ को पाए हैं फिर भी आपको लगता है कि हमें अभी और भी आगे जाना है जी दोस्तों। और यही लालच आपको एक दिन बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाएगा जी दोस्तों। आपको बता दें कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आप निरंतर मेहनत करते रहें, ईश्वर के प्रति ईश्वर पर विश्वास करें और आप जो भी कार्य करें उनमें ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। दोस्तों आपका जीवन बहुत ही सफल होगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगर आपने 3 नंबर को सुना है तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका किस्मत का दरवाजा अब खुलने वाले हैं। कि दोस्तों आपका जो स्वभाव है ईश्वर के प्रति कभी भी कम नहीं होता। आप ईश्वर में लीन रहते हैं, ईश्वर पर अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा जो भी होगा ईश्वर के प्रति ही होगा और ईश्वर हमारे साथ हमेशा ही भला किए हैं और आने वाले समय में भी भला करेंगे जी दोस्तों। आपको बता दें कि आज के इस जीवन काल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ईश्वर पर यकीन कम रखते हैं, ईश्वर की आस्था ईश्वर की भक्ति पर विश्वास कम रखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों में से आप ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर पर लीन हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति आपको यकीन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईश्वर भी ऐसे ही इंसानों की सुनते हैं जो उन पर यकीन रखते हैं। और दोस्तों आप भी यकीन मानिए कि अब आपके जीवन काल में ईश्वर के आशीर्वाद से आपके सभी सोचे सपने सच होने वाले हैं। जिन कार्यों में आपने पिछले समय मेहनत की है दोस्तों वे कार्य अब आपके बनने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईश्वरीय शक्ति हर पल आपकी सहायता करती है। चिंता त्याग कर विश्वास और धैर्यशीलता से प्रभु चिंतन कीजिए। आपके हर पल में ईश्वर समाहित हो, आप प्रसन्न रहें जी दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपके करियर के क्षेत्र को लेकर और आपके पारिवारिक जीवन के क्षेत्र को लेकर जी दोस्तों। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी समस्याएं चल रही थी तो दोस्तों अब आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी और करियर में जो भी आपके नुकसान चल रहे थे, जो भी आपके बिजनेस व्यापार में हानि चल रही थी दोस्तों वे सभी अब खत्म होंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से आपको बड़ी अच्छी जिंदगी अब मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगर आपने 4 नंबर को चुना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आप जो इंसान हैं आप दिल से सोचने वाले इंसान हैं। हालांकि आपको कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार आपको किसी कार्य में घाटा लग जाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप उनसे पीछे नहीं हटते, उनमें फिर भी आप पेशे लगाते हैं, उनसे आप फिर भी कुछ पाना चाहते हैं। आपके अंदर एक जिद रहता है कि यह कार्य को हम किए हैं तो दोस्तों हम ही करेंगे। और दोस्तों यही बात आपके जीवन काल में आपको आगे लेकर जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको एक यह बात भी बता दें कि आप हमेशा किसी और पर ऐसे यकीन कर लेते हैं जिसे वो आपके अपने हैं जी दोस्तों। यही आपकी भूल आपको कार्यों में हमेशा नुकसान भी दिलाता है। जो भी अनजान व्यक्ति है जिन्हें अगर आप सही समय पर समझ नहीं पाए हैं तो दोस्तों समय दीजिए, पहले इंसान को जानिए समझिए फिर उन पर यकीन कीजिए, नहीं तो दोस्तों आप इसी तरह घाटे में जाएंगे जी दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों ईश्वर के प्रति आपका यकीन है और इसलिए आपके जीवन काल में आपको हर कार्यों में सफलता की ही प्राप्ति होती है। आपके जो भी नुकसान होते हैं ईश्वर ही उन्हें पूर्ति करते हैं। और अब आपके जीवन काल में बहुत ही जल्द आपको बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। जो कार्य आपने सोचे हैं, जिनके प्रति आपने मेहनत किया है अभी तक दोस्तों, वे सभी अब आपके सपने सच होने वाले हैं और आपके जीवन काल में एक स्वच्छ जिंदगी आपको प्राप्त होने वाली है जी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात बता दें कि ईश्वर पवित्रता, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम में
पूर्ण रूप से समाहित है। ईश्वर को मिलने का एकमात्र उपाय सादगी, सत्य और निश्चल प्रेम है। आपके जीवन में प्रेम, सत्य और विश्वास का विस्तार हो। जी दोस्तों, ये बातें आप अपने जीवन काल में याद रखें। दोस्तों, आपको हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जी दोस्तों, और आपको बता दें कि अब आपकी बुराई का अंत होने वाले है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही है, जो समस्याओं का आप समाधान अभी तक नहीं पा पा रहे थे, इन समस्याओं को देखकर आपके आंखों से भी आंसू निकल गए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि अब आपके इंतहा की घड़ी समाप्त हो चुकी है और अब आपके जीवन काल में ईश्वर के आशीर्वाद से सभी सपने सच होने वाले हैं। जिन कार्यों में आप अच्छा फल पाना चाहते हैं, अच्छा सफलता की प्राप्ति करना चाहते थे, दोस्तों वे सभी कार्य अब आपके बनेंगे और अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छा जिंदगी आपको प्राप्त होने वाले हैं। यूं कहें तो एक नई जिंदगी की शुरुआत अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। बशर्ते दोस्तों आप इसी प्रकार, जिस प्रकार अभी भी ईश्वर पर यकीन रखते हैं, इसी प्रकार दोस्तों अब ईश्वर पर यकीन रखिए। ईश्वर की इच्छाओं में अपनी इच्छा रखिए। दोस्तों, आपके जीवन इसी प्रकार सुदृढ़ होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए, इसी प्रकार की और अधिक ज्ञान के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।